हे दोस्तों, मिट्टी से दुर्गा मूर्ति कैसे बनाते हैं विथ फुल सेट, ये तो मैंने आपको दिखाया पिछली कुछ वीडियोस में, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दुर्गा मूर्ति को कालार कैसे करते हैं। तो अगर आप दुर्गा मूर्ति को पेंट करना सीखना चाहते हो और वो भी स्टेप बाय स्टेप, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो वीडियो को अभी कर दीजिए एक लाइक और चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है दुर्गा मूर्ति का फुल सेट। मिट्टी से मैंने इसको कैसे बनाया है, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी चलिए इसको कलर करना स्टार्ट करते हैं। कलर करने के लिए हम यूज़ करेंगे फैब्रिक कलर। यहाँ पर सारे के सारे कलर एक ही फैब्रिक कलर है, बस छोटे बॉटल में और बड़े बॉटल में है। तो चलिए अभी कलर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूरी मूर्ति में व्हाइट कलर लगा देंगे, ठीक है। तो ये है फैब्रिक का व्हाइट कलर। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी मिला लूँगा ताकि कलर थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो ये देखिए, मैंने ब्रश से कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया पानी से। अब इस कलर को मैं दुर्गा मूर्ति में अच्छे से लगाऊंगा, ठीक है। फुल मूर्ति में ये कलर मैं लगा दूंगा सिर्फ बालों को छोड़ के, क्योंकि उधर ब्लैक कलर होगा तो इसलिए उधर व्हाइट कलर देने का कोई मतलब नहीं है। तो पूरी मूर्ति में मैं लगाऊंगा ये व्हाइट कलर। इस कलर को आप एक तरह से प्राइमर कलर भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी दीवार में पेंट करते हैं, कैनवास पर पेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले व्हाइट कलर लगाना पड़ता है ना। तो ये भी वैसे ही है, ये मूर्ति को हम पेंट करेंगे, ठीक है, बहुत तरह का कलर करेंगे, तो इसीलिए हमको सबसे पहले यहाँ पे व्हाइट कलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस मूर्ति को बनाने में और इसको कलर करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत टाइम लगा है। तो इसीलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेट होता है। आपका एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है, लेकिन मुझे ना बहुत हेल्प होता है, ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुँचता है आपका एक लाइक की वजह से। तो इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मैं इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखता हूँ 10,000 लाइक्स, क्योंकि मूर्ति बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मतलब टाइम लगा है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखता हूँ 10,000 लाइक्स। मुझे पता है कि 10,000 लाइक बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर कंप्लीट कर दोगे। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ये जो मैंने दुर्गा मूर्ति बनाया है और ये जो लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक, सरस्वती, ये सभी के सभी जब मूर्ति मैंने बनाया है मिट्टी से, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, ये सब भी मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए, मैंने सभी के सभी मूर्ति में व्हाइट कलर लगा दिया है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है स्किन टोन बनाना, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने व्हाइट कलर ले लिया है, येलो कलर और थोड़ा सा पिंक कलर, ये तीनों कलर मिला के मैंने बना दिया स्किन टोन। अब इसी स्किन टोन को मैं पूरा दुर्गा माता के मूर्ति में लगा दूंगा, एंड उसके बाद जो गणेश मूर्ति है उसमें लगाऊंगा, कार्तिक का मूर्ति है इसमें लगाऊंगा, लक्ष्मी का मूर्ति में भी लगाऊंगा स्किन टोन। सरस्वती माता का मूर्ति में स्किन टोन थोड़ा अलग होगा, तो वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। अभी चलिए ये स्किन टोन मैं दुर्गा माता के मूर्ति में, उसके बाद लक्ष्मी माता के मूर्ति में लगाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है लक्ष्मी माता का मूर्ति, तो इसमें मैं स्किन टोन लगाऊंगा। आप ध्यान रहे, स्किन टोन आपको सभी जगह पर नहीं लगाना है, सिर्फ जहाँ पे स्किन दिखेगा वहाँ पे लगाना है, ठीक है। और जो गणेश मूर्ति है इसमें ना फेस को छोड़ के सिर्फ बॉडी में लगाना है, क्योंकि फेस का जो कलर है गणेश का वो थोड़ा अलग होता है, व्हाइट होता है। गणेश का जो सर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो इसलिए मैं गणेश में सिर्फ बॉडी में ये स्किन टोन दे दिया। और ये कार्तिक का मूर्ति, इसमें भी सेम वैसे दे दिया। और ये देखिए, ये सरस्वती माता का मूर्ति, इसका स्किन टोन बनाया मैं व्हाइट कलर के अंदर थोड़ा सा पिंक कलर मिला दिया, तो ये कलर हो गया स्किन टोन, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे असुर का कलर। तो ये असुर है ना, ये मैंने ग्रीन कलर और थोड़ा सा व्हाइट कलर ये दोनों को मिलाया, तो ये बन गया असुर का स्किन टोन, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने जो मार्वल मूवीज़ में जो हल्क होता है ना, हल्क का स्किन टोन जैसे मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया असुर का स्किन टोन। तो सभी का स्किन टोन मैंने दे दिया, ठीक है। अभी सभी का साड़ी का जो कलर है उसको देना पड़ेगा। तो दुर्गा माता का साड़ी में मैंने दे दिया पिंक कलर, ठीक है, प्योर पिंक कलर। सेम कलर में गणेश के धोती में भी दे दिया, ठीक है, ये पिंक कलर का धोती पहना है गणेश जी। इसके बाद लक्ष्मी माता का साड़ी का कलर मैंने दे दिया ग्रीन कलर, ठीक है। ये देखिए, ये है लक्ष्मी माता का साड़ी का कलर, पूरा का पूरा ग्रीन, ठीक है, सिर्फ ब्लाउज़ को छोड़ के, क्योंकि ब्लाउज़ में अलग कलर होगा, ठीक है। तो ये हो गया लक्ष्मी माता का साड़ी का कलर, ठीक है। इसके बाद मैं करूँगा सरस्वती माता का साड़ी का कलर, तो वो मैं करूँगा थोड़ा सा डीप ब्लू कलर टाइप का, ठीक है। तो ये देखिए, ये है डीप ब्लू कलर। तो ये कलर मैं पूरा सरस्वती माता का साड़ी में दे दूँगा, ठीक है।
तो इसके बाद में जो कार्तिक है इसका जो धोती है इसमें दे दूंगा लेमन येलो, चादर में ऑरेंज कलर, और जो टी शर्ट पहना है उसमें मैं दे दूंगा स्काई ब्लू कलर। तो ऐसे ही मैं सारे के सारे जो मूर्ति है इसमें जो कपड़ा है, धोती है, चादर है, ये सभी के सभी मैं अभी कलर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैं अभी कलर यूज़ कर रहा हूँ ना, ये कलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये सिंपल फैब्रिक कलर है, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि फैब्रिक का तो जो छोटा बॉटल है उसमें है, लेकिन बड़ा बॉटल में ये कौन सा कलर है, ये सभी के सभी फैब्रिक कलर है, ठीक है। तो आप ये कलर बाय कर सकते हैं आपके लोकल मार्केट में भी, या फिर आप ऑनलाइन से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं कलर का लिंक और जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये कलर और ये ब्रश आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए मैंने जितने भी मूर्ति है इसमें कपड़े का कलर मैंने दे दिया है, तो आप बारी है जो शेर है शेर को पेंट करने का। तो ये देखिए ये है लायन, और लायन को मैं पेंट कर रहा हूँ येलो ऑकर कलर, और उसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर मिला दिया, उससे ये कलर बन गया, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि एक तरह का बिस्किट कलर है, ठीक है। तो इस कलर से मैंने शेर को पेंट कर दिया, और जो बफेलो है नीचे उसको देखिए मैं पेंट कर दिया ऐश कलर से, जो ग्रे कलर है, ठीक है, उससे मैंने बफेलो को पेंट कर दिया। तो ये दोनों पेंट हो गया। अब जितना भी मूर्ति है इसमें जो बाल है हेयर को पेंट करना होगा, ठीक है। अब सभी किसी भी मूर्ति में जो हेयर का कलर होगा वो होगा ब्लैक। लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, दुर्गा, गणेश का तो बाल नहीं है तो उसमें तो आप छोड़ दीजिएगा, और ये जो असुर का बाल है ना इसमें मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी कलर दे सकते हैं आपके मन मुताबिक। आप रेड कलर दे सकते हैं, आप ब्राउन कलर दे सकते हैं, येलो कलर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी मूर्ति में ब्लैक ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये मैं दे रहा हूँ फैब्रिक का ब्लैक कलर। कार्तिक के मूर्ति में मैंने ब्लैक कलर दे दिया, लेकिन इधर शेर भी है ना, शेर का भी बाल है, तो शेर का बाल में मैं दे रहा हूँ ब्राउन सियाना कलर, ठीक है। तो इसको पेंट करने के बाद जितने भी मूर्ति में जो वाहन है, जैसे कि गणेश का मूसक हो गया, कार्तिक का मोर हो गया, ठीक है, लक्ष्मी का आउल है, सरस्वती का हाँस है, इन सबको अभी पेंट करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने जो पीकॉक है इसमें दे दिया जो ब्लू कलर है, ठीक है। तो ऐसे ही सब पेंट कर दूंगा। इसके बाद ना नीचे का जो प्लेटफॉर्म है, मतलब जिसके ऊपर ये मूर्ति खड़ा है, उसको हम कलर कर देंगे ये स्काई ब्लू कलर, मतलब एग्जैक्ट ये स्काई ब्लू कलर नहीं है, थोड़ा सा डीप है स्काई ब्लू कलर से। तो इसी कलर से सभी के सभी जो प्लेटफॉर्म है इसको मैं पेंट कर दूंगा। तो ये प्लेटफॉर्म पेंट करने के बाद ही ख़त्म होता है बड़े कलर पेंट करने का काम, और आप शुरू होगा छोटा कलर पेंट करने का काम, जैसे कि आँख पेंट करना, हाथ पेंट करना, ठीक है, गहना पेंट करना, ये सब है छोटे छोटे कलर करने का काम, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया प्लेटफॉर्म कलर करने का काम। अब मैं क्या करूँगा, जो शेर होता है ना लायन का मुंह में होता है रेड कलर, ठीक है, तो उसको मैंने दे दिया। उसके बाद ये देखिए जूता, असुर का जूता, जूते मैंने ब्लैक कलर दे दिया, और जो कार्तिक का जूता है इस पर मैंने दे दिया रेड कलर, ठीक है। तो इसके बाद जो दुर्गा माता का हाथ है, हाथ के अंदर होगा रेड कलर, ये देखिए मैंने रेड कलर ले लिया, और सभी जो 10 हाथ है 10 हाथ के अंदर मैंने ऐसे जो रेड कलर है इसको मैंने दे दिया, ठीक है, हाथ के अंदर। ये मैं सिर्फ दुर्गा मूर्ति में ही नहीं सभी मूर्ति में दे दूंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश के अंदर, मतलब ऐसा पूरा मैं नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा रेड कलर दे दूंगा, ठीक है, कार्तिक गणेश के मूर्ति के अंदर। तो ये देखिए ये मैंने दे दिया, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों दुर्गा मूर्ति का जो फेस है, आँख, नाक, लिप्स, इन सबको पेंट करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जब भी फेस को पेंट करेंगे, मतलब आँख, नाक, लिप्स, ये सब पेंट करेंगे ना, तो आप बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा चीज़ है ना कि आपको अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा ना तो आपको बाद में बहुत ही परेशानी होगी। और फेस ही सबसे मेन चीज़ है, मतलब आप मान लीजिए आपके मूर्ति का उंगली थोड़ा सा टेढ़ा है, पैर थोड़ा सा छोटा है, या फिर साड़ी का जो भाज है, गहना है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फेस का, मूर्ति का जो फेस है उसमें अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट आया या फिर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया ना,
तो आपका पूरा मूर्ति मतलब दिखने में बहुत ही ख़राब रहेगा। तो इसीलिए फेस का जो पार्ट है इसको आप बहुत ही ध्यान से बहुत ही सावधानी से कीजिएगा, चाहे इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना लगे। ठीक है, ये देखिए गणेश जी का फेस है, इसको भी मैं बहुत ही ध्यान से पेंट करूँगा। आँख, नाक, कान, ये सब मैं पेंट करूँगा। मतलब इस पॉइंट में ये जो मूर्ति का अभी मैं फेस को पेंट कर रहा हूँ, इस टाइम पे जितने भी मूर्ति है, चाहे लायन हो, शेर हो, ठीक है, मतलब लायन शेर तो एक ही चीज़ है, लायन, बफेलो, पीकॉक, मतलब जितना भी मूर्ति है सभी का आँख आपको एक साथ ही पेंट करना होगा। तो इसमें आपका टाइम बहुत ही सेव होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब एक ही मूर्ति को पहले कंप्लीट करते उसके बाद दूसरा मूर्ति को पेंट करते, तो आपको ऐसे नहीं करने। आपको मान लीजिए आप मूर्ति का बाल पेंट कर रहे हो, हेयर, ठीक है, तो जितने भी मूर्ति है सभी का सभी हेयर आप एक साथ पेंट कर लो। आप मान लीजिए मूर्ति का साड़ी को पेंट कर रहे हो, तो जितने भी मूर्ति है सबका साड़ी आप एक साथ पेंट कर लो, तो ऐसे आप टाइम बहुत ही बचा सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए मैं अभी जो आँख पेंट कर रहा था मूर्ति का, तो जितना भी आँख है जैसे कि ये हाँस हो गया, पिकअप हो गया, सभी मूर्ति का आँख मैंने एक साथ पेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आँख का, कंप्लीट हो गया। अब मूर्ति का जो साड़ी है ना, साड़ी को हम अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने साड़ी का जो बेसिक कलर है वो तो मैंने दे दिया था, तो अभी साड़ी का जो पार होता है ना उसको देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ। तो ये है ब्लू कलर, ठीक है, पर्शियन ब्लू कलर, तो उससे मैंने साड़ी का जो पार है उसको दे दिया था। और ये देखिए ये कार्तिक का धोती है, इसमें मैंने ग्रीन कलर, और कार्तिक का जो चादर है चादर में मैंने दे दिया ऑरेंज कलर। ठीक है, अब ये देखिए ये है वाइट कलर, इससे मैं साड़ी को कुछ डिज़ाइन कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए, और ये है येलो कलर, लेमन येलो कलर। ठीक है, लेमन येलो कलर से मैंने लक्ष्मी का साड़ी में थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया, सिंपल डिज़ाइन, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे डिज़ाइन नहीं कर जो कि आप नहीं कर सकते, देखिए बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये सब। तो ये सब डिज़ाइन मैंने यहाँ पे कर दिया दुर्गा माता के साड़ी में, लक्ष्मी माता के साड़ी में और सरस्वती माता के साड़ी में। ठीक है, कार्तिक और गणेश जी का जो धोती है, चद्दर है, इसमें मैं डिज़ाइन नहीं करूँगा, सिंपल रखूँगा। तो इसके बाद आप बारी है गहना को पेंट करना, तो ये है गहने का कलर जो गोल्डन कलर है, तो इस कलर से मैं जितना भी गहना है, ज्वेलरी है, इसको मैं पेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने एक ब्रश ले लिया और ये गोल्डन कलर है, इसको देखिए मैं जितने भी ज्वेलरी है इसमें मैं लगा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो गोल्डन कलर है ये आपका लोकल मार्केट में मिल जाएगा, जो भी हार्डवेयर का शॉप है वहाँ पर आप जाइए और जाके कहिए कि मुझे चाहिए गोल्डन कलर, तो आपको मिल जाएगा। या फिर आप अगर ऑनलाइन से बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, हालांकि मेरे को मालूम नहीं है कि ऑनलाइन पे मिलता है कि नहीं, अगर मिलता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं जितने भी ज्वेलरी था वो तो मैंने पेंट कर दिया, और गणेश का गद्दा ये सब भी मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद ही हमारा मूर्ति हो जाता है पूरा कम्प्लीट। तो ये है दुर्गा माता मूर्ति का फुल सेट का फाइनल लुक। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बाकी है। मुझे आपको बस एक चीज़ याद करना था कि आपने वीडियो को लाइक किया है, अगर नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे बहुत हेल्प होता है इससे, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो मैंने बोला है कि 10,000 लाइक्स इस वीडियो में कंप्लीट कर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो एक, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएगा वो सब आप देख पाओगे। सो चलिए अब ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी क्ले स्कल्पचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।